नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। स्वागत है आपका। सीट्स वैकेंसी हम चेक कर रहे हैं सैनिक स्कूल्स की, जो कि आ चुकी है, और इस वीडियो में हम चेक करेंगे क्लास नाइन्थ में सीट्स की क्या वैकेंसी है, कितने वैकेंसी है, कितने छात्रों को एडमिशन मिलेगा। तो चलिए बिला के ताखीर, बिना किसी देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लास नाइन्थ में हमारे पास कितनी वैकेंसी अवेलेबल है इस साल के एडमिशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम हर स्कूल का इंडिविजुअल सीट्स वैकेंसी चेक करें, उससे पहले ये देखते हैं कि किन स्कूल से इस बार बिल्कुल भी एडमिशन नहीं है। तो सैनिक स्कूल गोपालगंज, स्कूल नालंदा, स्कूल अंबिकापुर और सैनिक स्कूल बालाचड़ी में कोई एडमिशंस नहीं है। ना ही कोई एडमिशंस है इस बार सैनिक स्कूल सुजानपुर तेरा में, स्कूल बीजापुर में, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, स्कूल झुंझुनू और सैनिक स्कूल हाँ। तो ये स्कूल्स हैं जिनमें इस बार कोई भी अवेलेबिलिटी, यानी बिहार में इस बार नाइन्थ क्लास में कोई एडमिशन नहीं है। राजस्थान में भी कोई एडमिशन इस बार क्लास नाइन्थ में नहीं लिया जाएगा, ना ही हिमाचल प्रदेश में लिया जाएगा। ठीक है, तो सैनिक स्कूल गोपालगंज, नालंदा, अंबिकापुर, बालाचड़ी, सुजानपुर तेरा, भुवनेश्वर, चित्तौड़गढ़ और सैनिक स्कूल झुंझुनू, इन स्कूल्स में इस बार नाइन्थ क्लास में कोई भी वैकेंसी नहीं है। जिन स्कूल में वैकेंसी है उनकी अगर हम अब बात कर लें, तो सैनिक स्कूल कालीकिरी में अच्छे नंबर से 30 सीट्स की अवेलेबिलिटी है, जिसमें 3 SC 2 ST 5 OBC 7 जनरल 3 डिफेंस और अदर स्टेट्स के लिए 1 SC 1 SC ST और डिफेंस और 3 OBC 4 जनरल है। स्कूल कुरुकोंडा में 22 सीट्स की अवेलेबिलिटी है, उसको भी आप देख सकते हैं कि होम फ्रंट पे यहाँ पे जो है 14 सीट्स हैं और 8 सीट्स अदर स्टेट के लिए। वही सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में 13 सीट्स की वैकेंसी है, जिसमें से होम कैडेट्स को दी जाएंगी 9 सीटें और 4 सीट्स होम कैडेट्स को दी जाएंगी 8 सीटें और 5 सीट्स जो है वो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए है। सैनिक स्कूल गोलपारा में सबसे अच्छे नंबर से इस बार सैनिक स्कूल गोलपारा में 53 सीट्स की अवेलेबिलिटी है क्लास नाइन्थ के लिए, 5 SC 3 ST 9 OBC 13 जनरल और 5 डिफेंस हैं होम स्टेट से। वहीं अदर स्टेट से भी 3 SC 1 ST 5 OBC 7 जनरल और 2 डिफेंस के साथ टोटल 18 वैकेंसीज हैं अदर स्टेट्स के लिए। स्कूल्स में बिल्कुल नहीं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 30 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें SC की कोई सीट नहीं है होम उस फ्रंट पे, बाकी कैटेगरी में कुछ ना कुछ जरूर है। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में 40 सीट्स की अवेलेबिलिटी है क्लास नाइन्थ के लिए। सैनिक स्कूल नगरोटा में 5 ही सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 1 होम SC है, 1 होम OBC है, 1 होम जनरल, 1 होम डिफेंस और 1 अदर स्टेट्स जनरल की सीट है। सैनिक स्कूल तिलैया में जरूर 9th क्लास में 3 सीट्स हैं। यहाँ अगर आपको ध्यान हो तो 6th क्लास में सिर्फ 30 ही सीट्स थी इसमें, तो इन्होंने 30 सीट्स की अवेलेबिलिटी जो है क्लास नाइन्थ में भी रखी है, और इसमें हर कैटेगरी में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सैनिक स्कूल बीजापुर में कोई एडमिशन नहीं। सैनिक स्कूल कोडागू में भी 40 सीट्स है, जो कि अगेन अच्छा नंबर है, इसमें भी हर वैकेंसी में सीट्स खाली हैं। सैनिक स्कूल कड़कूटम में 17 सीट्स है, जिसमें कुछ जैसे कि होम SC में 1 सीट है, होम ST में कोई सीट नहीं है, होम OBC में 9 है, डिफेंस और जनरल में भी होम में कोई वैकेंसी नहीं है, पर अदर स्टेट्स में अगर आप देखें तो SC में कोई वैकेंसी नहीं, ST में 1, OBC में 3, जनरल में 3 और डिफेंस में कोई वैकेंसी नहीं। यानी क्लास नाइन्थ में सैनिक स्कूल कड़कूटम में 17 सीट्स की अवेलेबिलिटी है। सैनिक स्कूल रीवा के नंबर अच्छे हैं, इसमें 30 अवेलेबिलिटी और हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ सीट्स जरूर अवेलेबल हैं। सैनिक स्कूल चंद्रपुर में टोटल 12 सीट्स है, लेकिन इसमें 5 कैटेगरीज खाली हैं, यानी सिर्फ होम जनरल, होम डिफेंस, अदर SC और अदर जनरल में सीट्स खाली हैं। होम जनरल में जरूर 8 सीट्स खाली है चंद्रपुर में, तो ये एक अच्छा नंबर है। सैनिक स्कूल सतारा की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल सीट्स तो 12 है, पर वही होम ST में एक भी सीट नहीं और बाकी सब में एक एक या दो दो ऐसे ही नंबर्स हैं। सैनिक स्कूल इम्फाल में अच्छे नंबर्स है कंपेरेटिवली, क्योंकि सैनिक स्कूल इम्फाल में 20 सीट्स की अवेलेबिलिटी है, जिसमें होम फोर्ट पे सारे भरे गए और अदर स्टेट्स में ST में कोई वैकेंसी नहीं है। सैनिक स्कूल छिंगचिप में भी 12 वैकेंसीज है, जिसमें होम फ्रंट पे सारे हैं, अदर स्टेट्स में ST में कोई वैकेंसी नहीं है, बाकी सब एक एक है। और सैनिक स्कूल पुंगलवा में टोटल वैसे तो 10 वैकेंसीज है, लेकिन होम स्टेट के लिए कोई एंट्री नहीं है। होम सैनिक स्कूल पुंगलवा में नागालैंड के कोई भी कैंडिडेट इस बार नाइन्थ क्लास में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अदर स्टेट्स में ST में 1 वैकेंसी है, OBC में 8 वैकेंसीज हैं और जनरल में 1 वैकेंसी है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में कोई एडमिशन नहीं है इस साल। सैनिक स्कूल संबलपुर में जरूर 30 सीट्स हैं, हर कैटेगरी में कोई ना कोई सीट्स अवेलेबल है। सैनिक स्कूल कपूरथला में भी 20 सीट्स हैं, और अगर होम और अदर स्टेट्स दोनों में ST कैटेगरी को हटा दिया जाए तो हर कैटेगरी में नाइन्थ क्लास में एडमिशन के लिए सीट्स हैं सैनिक स्कूल कपूरथला में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और सैनिक स्कूल झुंझुनू में 1 भी सीट नहीं, यानी राजस्थान में कोई भी कैंडिडेट इस बार नाइन्थ क्लास में एडमिशन नहीं लेगा, जैसे कि बिहार में हुआ है। सैनिक स्कूल अमरावती नगर में जरूर 50 सीट्स खाली हैं, तो ये बहुत अच्छी खबर है तमिलनाडु के छात्रों के लिए, खास करके वहाँ पे 5 SC 3 ST 9 OBC 13 जनरल और 4 डिफेंस के साथ टोटल 34 सीट्स हैं।
वहीं अदर स्टेट्स के लिए 3 SC 1 ST 4 OBC 6 जनरल और 2 डिफेंस के साथ कुल 20 सीट्स अवेलेबल हैं वहां पर इसके लिए भी क्लास 9th के लिए। स्कूल झांसी की अगर हम बात करें तो वहां भी 17 स्कूल्स की अवेलेबिलिटी है। ओबीसी में कोई होम ओबीसी में कोई वैकेंसी खाली नहीं है, ना ही खाली है अदर एससी, अदर ओबीसी और अदर जनरल में, फिर भी 17 सीट जरूर है। सैनिक स्कूल मैनपुरी में भी 12 सीट्स है, इसमें भी होम ओबीसी कोई स्पेस नहीं है ना ही, और अदर्स में कोई एडमिशन, यानी बाहर किसी भी स्कूल का, बाहर के किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इस बार सैनिक स्कूल मैनपुरी में 9th क्लास में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सैनिक स्कूल अमेठी में जरूर 30 सीट्स है और उन्होंने हर कैटेगरी को फुल किया, कुछ ना कुछ सीट्स हैं। उसी तरह सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में भी 35 वैकेंसीज हैं, हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ अवेलेबल सीट्स हैं और इनमें होम स्टेट जनरल के नंबर्स हाई हैं दोनों में। सैनिक स्कूल पुरुलिया में भी 15 सीट्स हैं जिसमें से आपके पास होम एससी में 1 ST में 1 होम ओबीसी में 3 होम जनरल में 4 डिफेंस में 1 है। वही अदर स्टेट्स के लिए, अदर स्टेट्स के लिए एससी में 1 ST में 1 भी नहीं, ओबीसी में 1 जनरल में 2 और डिफेंस में 1 सीट है। ये थी टोटल सीट इस बार सैनिक स्कूल में क्लास 9th के एडमिशन की। तो यानी टोटल एडमिशन जो है साल वो 585 होने वाले, 585 कैंडिडेट्स क्लास 9th में एडमिशन ले पाएंगे इस बार। तो वी होप कि आपका नंबर उसमें आए और आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हो, और अगर आप इस रैंक के आसपास नहीं भी हैं थोड़े बहुत, मतलब अगर 200-300 तक का भी अगर उसमें वो है तो आप चिंता मत कीजिए, बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट लेते हैं, बहुत से बच्चे दूसरी लिस्ट के लिए ऑप्ट करते हैं, तो घबराना नहीं, उम्मीद बनाए रखनी है। और 585 सीट की वैकेंसी इस बार टोटल क्लास 9th में है, ये बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए कितनी वैकेंसी है इस बार, उसका लिंक यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी, देखते रहिए और सैनिक मिलिट्री नवोदय से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमसे बात करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैट ग्रुप पे पहुंचे। याद रखिए सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू। नवगुरु।